चाय पीने आ जाइए आप लोग भी। देखिए इतना गर्मी है, गर्मी में भी चाय पी रहे हैं। की हालत खराब हो गया क्योंकि ये गर्मी की वजह से खाने नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही छोटा और प्यारा सा आज का ब्लॉग है और प्रियम बहुत ही डांस कर रही है। ये रहा एनआईटी घाट का वीडियो जो कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, बस एक ही दो शूट कर पाई, उसके बाद से चली गई रूम। और यहाँ पे एनआईटी घाट पे देखिए कितना ज़्यादा, ये जो घाट है यहाँ पे हमेशा आरती होती रहता है, यहाँ तक भी पानी पूरा अंदर तक आ गया है। तो इसका ब्लॉग मैं किसी और दिन बनाऊंगी अच्छे से। तो फिर आज मैं नहीं शूट कर पाई थी, शाम का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ हो गया था, इसकी वजह से नहीं हो पाया वीडियो शूट और थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो फिर किसी और दिन तक तो पता नहीं पानी रहेगा कि नहीं रहेगा जब मैं दोबारा से आऊँगी। बोलिए, आप बोलिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए प्रियम का बर्थडे का अभी सेलिब्रेशन हो रहा है और बहुत ही ज्यादा इसमें गर्मी लग रहा है। अभी फिलहाल इसका कपड़ा आज ही आया खरीद के, तो फिटिंग नहीं हुआ है। तो देखिए मशीन भी नहीं है। अब देखिए यहाँ बैलून दोस्तों, तो रुको सुई धागा से देखिए फिटिंग कर रहा है, रेडीमेड काम कर रहा है। अब देखिए यही वाल पे डेकोरेशन है। ये सब क्यों नोच दी? सब सजाएगा इसको कर्टन। हम आते हैं थोड़ा सा। ए दीदी क्या देखिए इसका कितना फास्ट फास्ट वैसे ही रेडीमेड कर रहे हैं। नेहा दी बताए यहाँ पे बर्थडे उडे कटाया ना केक। और इतना ज्यादा इसके रूम में गर्मी है कि हालत खराब हो गया क्योंकि ये बैलून की वजह से मम्मी रहेगा। बंद करो, मम्मी रहेगा। तो दोस्तों देखिए बैलून वैलून सब फुला गया है और ये सब सब फुला गया है। ये डेकोरेशन का लड़का और ये बेंगा और ये इसका नाम है, ये डायरेक्टर है। लेकिन अच्छा से रखिएगा, ठंडा पानी बहुत है ना, पिया ही नहीं जा रहा। गरम गरम चाय पीने आ जाइए आप लोग भी। देखिए इतना गर्मी है, गर्मी में भी चाय पी रहे हैं। खाली बकर बकर करती हैं, दिखा उनको कैसे बैठी हुई हैं। थोड़ा ठीक से बैठ जाइए। मम्मी आज क्या है? आज प्रियम का बर्थडे है। देखिए हम लोग कर चुके हैं बैलून फुला। डांस करोगे सारी वारी पहले लोग कुछ बैलून फुलाए सारा इतना काम पूरा है। और मेरे घर में खाना बनाने वाला है ये सब देख लीजिए। सबको दिखा दो, एडिट कर देना। देखिए फाइनली प्रियम रेडी हो चुकी है और ग्रीन ग्रीन कपड़ा पहनी हुई है। देखिए बर्थडे गर्ल को आप लोग भी इसको बोल दीजिए हैप्पी बर्थडे। और ये सागर भाई को देखिए, का शर्मा तरह। और देखिए ये दीदी, दीदी मेरा सूट पहन लिए देखिए। और माँ बेटी एक ही कलर का सूट पहनी हुई है। देखिए ये छोटी बहन बड़े भाई को मार रही है। आज मेरा बर्थडे है, आज ही बहुत डांस करेंगे। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से। और प्रियम थोड़ा सा और गा के डांस करो। नहीं डांस होगी क्या? पापा के पास आया 9500 रुपये। ए प्रियम अभी कमाया रे पैसा। थोड़ा डांस करबू, हमको क्या पता। मुटुक ना लगाई बर्थडे वाला, क्या मुटुक ना लगाई वो जा, ये मिस्टेक हो गई। हम गिफ्ट में वो ले लें क्या? आ प्रियम, ए दीदी हम गिफ्ट लाना नहीं ला पाए, कर लेंगे। देखिए अपने अपने वीडियो देख के अपने ही डांस कर रही है। देखिए 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 ये लोग मारा पिटी कर लिया। खाने वक्त थी तो भी दोस्तों
सब काम वीडियो ले रहे हैं। बर्थडे का लादी होना ही चल रहा, जो करे उसको तीन से कर देगी मेरी भी। आज मेरा बर्थडे तो पगला पीने को लिए अपना फोटो खिंचवा रही है और पोज पे पोज दिए जा रही है। आज बहुत ही ज्यादा खुश है रे पोज। और ये सागर भाई पोज ले लेके वीडियो फोटो खींच रहे हैं। है पोज, आज बहुत ही ज्यादा हैप्पी है प्रियम हीरोइन। बाप रे मर गई है बर्थडे के पीछे। हाँ जिया हो रहा है कैमरा में, जिया भूक भूक कर रहा है अंदर। अब ऐट इसमें तो चेहरे नहीं दिख रहा, चेहरा नहीं दिख रहा। हाँ अब क्या, अब हाँ ऐसे बोला। तो फ्रेंड देखिए, मैं प्रियम का वीडियो शूट कर रही हूँ और प्रियम डांस कर रही है। ठुमक ठुमक जब चली हिट गाना जो है उसी पे डांस कर रही है। गाल चुनारी चमके तेरी। हाँ पोज दो। हाँ एक पोज। देखिए तो प्रियम का बर्थडे है और दीदी कैंडल जला रही हैं। तो अब देखिए अब बर्थडे का केक कटाएगा लास्ट क्या दीदी, हम केक जला दे रहे हैं। मत इसको मत लगा और ईशा का दो, क्योंकि वो लेके प्रियम के बर्थडे है। प्रियम का मन था कि मेरा बर्थडे मनना चाहिए, मतलब मन से मना रही है। आपका मन नहीं था कि प्रियम का बर्थडे में मन, मेरा पैसा चाहिए क्योंकि हम छोटा बच्चा नहीं, पावर द मनी और कुछ नहीं चाहिए। ओके तो प्रियम का केक कटिंग होने लगा तो हम लोग सब लोग बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू प्रियम। तो ये लोग दीदी केक का वो कैंडल सही कर रही है और मैं प्रियम को लगाने के चक्कर में हूँ। हमको अच्छा लगता है सबको लगावा के, बहुत अच्छा लगता है हमको केक कटिंग में। सबसे अच्छा हमको ये लगता है, मन करता है कि केक नहीं खा के एक पोत पाना सबको। प्रियम अपनी मम्मी को केक खिला के और मेरे लिए निकाल रही है। तो फ्रेंड हम लोग को मिल गया केक, समोसा और मिक्सचर। तो दीदी यही रखी थी नाश्ता में, तो हम करके हमको जल्दी जल्दी रूम निकलना क्योंकि लेट हो रहा है रूम के लिए और 9 बज गया। इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से रूम पे निकल जाऊँ। तो मैं पूरा नहीं खाऊँगी, बस समोसा खा लूँगी निकल जाऊँगी। और प्रियम, तो प्रियम आज जम के डांस कर रही है। आज बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड है, इसकी वजह से इतना ज़्यादा डांस किया है कि क्या बताएं।
लग रहा है पूरा डांस कर लेगी, पता नहीं मेरे जाने के बाद भी शायद डांस कर लेगी। तब सोचे कि अब जाना है रूम, तब तक के लिए डांस कर लेते हैं, इसका वीडियो शूट कर लेते हैं। और दीदी भी इसके साथ साथ डांस के पीछे पागल हो गई है, तो दोनों माँ बेटी मस्त डांस कर रही है। और ड्रेस भी दोनों लोग एक ही जैसी पहनी है, तो देखिए दोनों का, दीदी भी बहुत खुश है। क्यों नहीं खुश होंगी, यही इनकी बेटी का जो बर्थडे है, तो दोनों माँ बेटी मिल के डांस कर रही है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं रूम जा रही थी, तब तक जुलूस निकला था, तो सोची कि थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये शायद पता नहीं, हमको नहीं पता है इसके बारे में, जो कि मतलब ये मुस्लिम लोग का कोई फेस्टिवल है, तो यही लोग जुलूस निकाले हुए थे, तो सोचे ये लोगों को भी थोड़ा सा कैद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड फाइनली मैं देखिए NIT घाट गई, फिर NIT से NIT से फिर आई यहाँ पे, क्या बोलते हैं, दीदी के पार्लर में गई, फिर पार्लर से फिर रूम पे आ गई हूँ। अभी रूम पे आने के बाद जल्दी जल्दी खाना बनाई, क्योंकि दीदी खाना बना रही थी, बर्थडे था तो, और मुझे लेट हो रहा था, और मेरी बहन का तबीयत भी ख़राब था, फीवर आ गया था, तो सोचे कि नहीं रुकेंगे वहाँ पे ज़्यादा देर तक। तो मैं फिर घर आ गई, रूम पे आ गई जल्दी से, क्योंकि इसको फिर दवा ववा देना था। तो घर रूम पे आने के बाद मैं खाना बनाने लगी, तो ब्लॉग को एंड नहीं की, तो सोची कि अभी देखिए अभी टाइम कितना हो रहा है, राइट 12 बज रहा है, तो सोने जा रही थी, तभी मेकअप भी नहीं उतारी हूँ। आई वहाँ से जल्दी जल्दी कपड़ा चेंज करके, और फटाफट पहले से मैं वो खाना बनाई। खाना बनाने के बाद अभी बर्तन वर्तन कुछ नहीं धोए हैं, कल घर भी निकलना है, तो इसके लिए फिर पैकिंग भी करना, वैसे सारा सामान मेकअप का भी देखिए ऐसे ही फैलाए हुए अभी सब रखेंगे अच्छे से। देखिए पूरा मेकअप का वीडियो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, सब चूड़ी वगैरह है, घर सारा सामान कपड़ा वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि जाना ना घर, तो फिर सारा पैकिंग करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे आज पता नहीं 2 बजेगा सामान पैक करने में, क्योंकि आप पता नहीं, तो फिर सामान वामान पैक करूंगी, सामान पैक करने के बाद 1-2 बजे तक सो जाऊंगी। मेरा ज़िंदगी पता इतना उथल पुथल चलता है, आज यहाँ कल वहाँ आज यहाँ, मतलब पता नहीं मेरा लाइफ कब स्टेबल होगा, समझ में नहीं आता है। हम भगवान से विनती करते हैं, भगवान जल्दी से मेरा लाइफ सेट कर दीजिए और मैं कहीं एक जगह फिक्स हो जाऊँ, रोज़ रोज़ इधर उधर इधर उधर घूमना अच्छा नहीं लगता। और देखिए रेड कलर का ये मेरा कपड़ा है, और ये जो साड़ी में पहनी थी उस कलर का लिपस्टिक है, इसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि साड़ी का कलर का ही लिपस्टिक चाहे सूट, मतलब अजीब लग रहा है फिर भी। तो फिर आज का ब्लॉग कैसा लगा ये लोग, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं मेकअप को हटाऊँगी, तो मेकअप को हटाती हूँ क्लींजिंग से, देखिए इससे मैं अपना मेकअप को हटाती हूँ, और फिर हटाने के बाद सोने से थोड़ा देर पहले एलोवेरा जेल लगा के सो जाती हूँ, क्योंकि फेस में जलन होता है कभी कभी, ज़्यादा मेकअप कर लेने से फेस में बहुत ही ज़्यादा जलन होता है, तो जलन की वजह से एलोवेरा जेल लगाती हूँ ये, तो फिर कभी कभी मॉइस्चराइजर भी लगा के सो जाती हूँ। तो वैसे मैं हमेशा फेस में फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी मुझे जाना पड़ता है कहीं कहीं, तो लगा के चली जाती हूँ, कि थोड़ा सा गर्मी का मौसम भी चल रहा है, अच्छा नहीं लगता वीडियो बनाने में, इसलिए कभी कभी लगा के चल जाती हूँ। रूम पे बनाना रहता तो बस थोड़ा सा पाउडर लगा लेती हूँ, काजल लाइनर लगा के लिपस्टिक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मेकअप करने से फेस पूरा डॉल होते जा रहा है इसलिए। तो फिर मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कि कुछ हमको भी प्रॉफिट हो। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहिए आप लोग।